रवि राय साहब, नासिर साहब को आप जवाब देना चाहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि नंबर्स एग्जैजरेट करके बताया गया है और जिसके साथ हुआ है वो जाके रिपोर्ट करे। यहां तक कहा उन्होंने कि जो गया वहां पर उनके सारे लिए काम करने वो भाड़ में जाए, ये तो उनकी भाषा है। नहीं, अंजना जी, सबसे सबसे अहम मुद्दा तो ये है, जो मैं शहजाद के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि इशू क्या है, इशू नंबर्स हैं या ये कैटेस्ट्रॉफी, ये जो 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 ये ब, 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 है वो इम्पोर्टेंट क्या है। चाहे 32,000 ना हो, देखिए 32,000 तो उन्होंने रेक्टिफाई कर दी, अब तो 3 लड़कियां उन्होंने कर दी साइट पे एनीवे, चाहे एक भी लड़की हो, क्या ये मुद्दा उठना चाहिए या नहीं, क्या ये फिल्म बननी चाहिए या नहीं, क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए या नहीं, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और बिल्कुल राइट, एक कैथोलिक एसोसिएशन और वहां के बिशप ने आज से नहीं, 2020 से वो केरला के चीफ मिनिस्टर को अलार्म कर रहे हैं कि दिस इज द सिचुएशन, दिस इज हैपनिंग हेयर, तो वॉट इज रॉन्ग इन इट। अगर किसी एक आदमी ने उठ के फिल्म बनाई है, अब 32 ना हो, 30 हो, 2,500 हो, 2,000, लेकिन ये है ना, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हमको फिल्म बनानी है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक कॉस्ट तो है ना। और ये अचानक, अंजना जी, ये अचानक उठ जाते हैं जब कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी बनती है, जब हैदर बनी थी इन्होंने कितनी चीजें वेरीफाई की थी तब, व्हेन द स्टेट एंड द आर्मी वॉज पेंटेड डार्क इन दैट फिल्म, किस किस ने सवाल उठाए थे। क्या मुल्क की कहानी जब बनी, मुल्क तो रिलीज हुई, कि क्या ये सच है कि द वे मुस्लिम्स आर परसीव्ड इन इंडिया, वो एक फिल्म मेकर का अपना नजरिया था और हमने भी जाने दिया कि ठीक है उसका नजरिया कर दिया उसने। गायत्री अय्यर जी, तो आपका क्या टेक है इस पे? इन लोगों ने ये सवाल है? नहीं, मैं गायत्री अय्यर जी से पूछ रही हूँ, एक्ट्रेस है हमारे साथ। गायत्री जी, आपकी क्या राय है, क्या फिल्म मेकर्स को आजादी है फिल्म को बैन करने की मांग क्या सही है? जी नमस्ते अंजना जी। एक्चुअली इससे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे, नसीर जी, वो पूछ रहे थे कि केरला में अब तक वो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया अगर इतने ज़्यादा लड़कियों की ट्रैफिकिंग हुई है, ये कन्वर्शन हुआ है। एक्चुअली असल बात केरला में ये है प्रॉब्लम कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस बहुत ज़्यादा मिली हुई है जिहादीस और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, क्योंकि वहाँ पे अगर एक लव जिहाद का केस भी हो जाता है पुलिस स्टेशन में, अगर लड़की के माँ बाप पहुँच जाते हैं और लड़के के अगेंस्ट कंप्लेंट डालते हैं, तो लड़की की तरफ से सिर्फ माँ बाप होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, बस उतने ही। लेकिन लड़के की तरफ से जितने लोग, 300 से 1,000 लोग आ जाते हैं, चाहे लड़का जितना भी लो क्लास से हो, 300 से 1,000 लोग आ जाते हैं, और बड़े बड़े व्हीकल्स में 15 गाड़ियां, 90 बाइक्स, ये होती है संख्या जो मुस्लिम लोगों की संख्या होती है एक पुलिस स्टेशन में। पुलिस डर जाती है एक तो, और ये जो है सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती है इनको हेविली आउटसाइड फ्रॉम सऊदी और दुबई, यहाँ के जो मुस्लिम कॉर्पोरेट्स है वहाँ की जो बहुत हेवी फंडिंग मिलती है, और ऊपर से ये जो लोग आते हैं पुलिस स्टेशन में, जो 1,000 के करीब लोग आते हैं, ये सब पार्टी से होते हैं, SDPI, PFI जो बैंड है, सिमी जो बैंड पहले था जो PFI बाद में बना, SDPI, PDP, PFI, ये सब पार्टी से लोग आ जाते हैं ये एक लड़के के साथ खड़े होने के लिए, और मतलब पैसा इतना बहा देते हैं और पुलिस को इतना डरा देते हैं कि पुलिस अगर हेल्प भी करना चाहे तो वो पुलिस हेल्प नहीं कर सकती। पुलिस एक तो चुप रहती है क्योंकि पुलिस में बहुत इन्फिल्ट्रेट हो गए ये जिहादी माइंडसेट के लोग, बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गए, तो पुलिस बहुत ज़्यादा चुप रहती है, नहीं तो वो हेल्पलेस हो जाती है क्योंकि इतने सारे नंबर्स देख के कोई भी डर जाता है। और ये सब आपको कैसे पता चला है, बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आप ये बता रही हैं गायत्री जी? नहीं, जो अभी ये बोल रहे थे ना, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी ये किया है, तो वो जो कासा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटीज को लव जिहाद के अगेंस्ट बचाने के लिए कासा करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है, जिसका हेड है केविन पीटर्स। तो केविन पीटर्स की आप एक बार कहानी सुनिए, उनकी खुद यूट्यूब ने उन्होंने बोला है, वो पहले लव जिहाद को डिसमिस करते थे, ये तो RSS और संघ परिवार की आइडियोलॉजी है इस डिसमिस, जब तक उनकी खुद की बेटी लव जिहाद की शिकार नहीं हुई और ये खुद का उनका एक्सपीरियंस है, उसके बाद उन्होंने पूरा अपना जायदाद जो पूरा है उन्होंने सब कुछ लगा दिया कि लव जिहाद के अगेंस्ट वो कासा उन्होंने फॉर्म किया, और उनको करीब 300-400 केसेस के बारे में उनको फर्स्ट हैंड अकाउंट जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने यूट्यूब पे डाला है, एंड यू कैन, एवरीवन नोज़ अबाउट इट इन केरला।
नासिर साहब जवाब देना चाह रहे थे। दो बातें कहना चाहता हूँ। हेलो, बोलिए बोलिए नासिर साहब। हाँ जी जी, मैंने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि मैं कश्मीर फाइल के अगेंस्ट था, लफ्जियात, बट मेरी ऐसी बात नहीं है। जो कश्मीर फाइल्स जो बनी थी, सही फिल्म बनी थी, सही इंफॉर्मेशन थी, वंडरफुल, नो प्रॉब्लम विद दैट। ये जो फिल्म है इसके ऊपर ये जो मुझे आ रहा है कि अगर ये जो लव जिहादी लोग हैं ये अकल से पैदल हैं, ये इतने बुद्धू हैं कुछ हद नहीं। मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, और भगवान को या फिर खुदा को हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। उन भगवान को लेबर की शॉर्टेज नहीं है, मजदूरों की शॉर्टेज नहीं है कि वो तुम आके मेरी हेल्प करो, मदद करो, इस्लाम फैलाओ, सब बकवास है। मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा छोटा सा प्रॉब्लम यही था। आपने जो भी कहा है, एक बार मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये आज तक की राय नहीं है, आज तक आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। किसी भी धार्मिक और भावनाओं को आहत करने के लिए कोई भी बात आपने अल्लाह के लिए कही है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी धर्म से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात हमारे चैनल पर हो जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो। मुझे लगता है कि आपने जो लाइन कही है नासिर साहब, उससे कई लोगों को बुरा लग सकता है। इस तरह की भाषा का हमें किसी भी धर्म या धर्म के जो भगवान है उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। आप बोलिए फिर, मैं सायरा जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। सायरा शाह साहब में आ रही हूँ। शहजाद तैयार हूँ। बचना चाहिए आपको, ऐसी भाषा ना बोले आप प्लीज। शहजाद जी, मुझे मौका दे रही हैं आप, मैं बोल रही हूँ। सायरा जी फौरन आ रही हूँ, बस एक बार वो चूंकि बहुत देर से हाथ किया हुआ था, खड़ा किया। शहजाद जी, हाँ देखिए अंजना जी, अभी बोलते बोलते नासिर जी क्या बोल गए, उन्होंने कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं ये बड़े बुद्धू किस्म के लोग हैं, मतलब कि एक प्रकार से उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना। नहीं अंजना जी, ये जो लोग कर रहे हैं ये बड़े षड्यंत्रकारी और बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति के, आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके यहाँ पर बैठ कर यहाँ पर हुस्नफरोजी करना या एक प्रकार से उस पर लीपापोती करना इनके काले कृत्यों पर, ये बहुत बड़ा एक डिससर्विस है महिलाओं के लिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से नाम बदलना, एक साजिश को छिपाना, हजारों लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देना और फिर एक आतंकी कॉज के लिए किसी को ले जाना, फंसाना, ये इनको लगता है ये बुद्धू का काम है। दूसरी बात, मैं केवल इतना कह रहा हूं नसीर जी, देखिए आपके इस एंटिक से कोई बात नहीं सुलझेगी। मैं तो केवल आपसे इतना कह रहा हूं, आप पठान फिल्म के तो बड़े समर्थक थे ना, पठान तो पूरी फ्रिक्शनल फिल्म थी, पठान पूरी फिक्शनल फिल्म को दिखाने के लिए आप प्रथम पंक्ति में, और जो ये फिल्म जिसमें एक केस भी अगर सही होगा तो ये फिक्शनल नहीं, ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन को डॉक्यूमेंट करती है, उसके खिलाफ आप और आपकी मंडली। वो जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि कश्मीर फाइल झूठी है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार ही नहीं हुआ, वो पूरा कृत्य ही झूठा है। तो इस प्रकार से एक फाइल को और एक फिल्म को झूठा बताते बताते पूरे इस सिचुएशन को ही झूठा बताना, क्या ये कट्टरपंथियों को क्लीन चिट देने का ये एक तरीका नहीं है, जिसका प्रदर्शन आपने भी किया? अभी मैंने नहीं किया, मैं कह रहा हूं ये दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं, दुष्ट उनको आतंकी कहते हैं। अभी आपने कहा बुद्धू है, अभी आप कह रहे दुष्ट है, आपने क्या किसी को मिले हैं पर्सनली? मत इस्तेमाल कीजिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे मत बोलिए ना सर। नहीं आपने जो उल्लू का पट्टा कहना चाहता था लेकिन वो भी अलाउड नहीं है शायद। आपको गालियों का बड़ा शौक है लेकिन आप परहेज करना चाहिए। वैसे तो किसी पे सीख देने के लिए मैं कौन हूं आपके सामने, लेकिन आप थोड़ा गालियों से परहेज करना चाहिए। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं,